और दोस्तों भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहां एक बार फिर से ऋषि और बात की जाए मलिष्का की शादी होती हुई दिखाई देगी। जी हां, पूरा माजरा क्या है आखिरकार भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में आज आप लोगों के बीच में मैं लेकर फिर से हाजिर हुआ हूं। मेरा नाम है रोहित नागर। अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज कृपया करके मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि भाग्य लक्ष्मी के आने वाले एपिसोड में जहाँ ऋषि की माता यानी नीलम को मलिष्का पूरी तरीका से बहका लेगी और झूठी जो कि कुंडली बनवा लेगी, जिस कुंडली में लक्ष्मी के इनको बोल देगी कि अब ये इस समय ऋषि के लिए बल्कि लक्ष्मी नहीं और भाग्य लक्ष्मी नहीं बल्कि ये काल लक्ष्मी है। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ ही एक बार फिर से ऋषि और मलिष्का की शादी होती हुई दिखाई देगी आने वाले एपिसोड में। आप लोग जानते ही हैं कि इस समय मलिष्का ने पूरी तरीका से नीलम को बहका दिया है, जो कि ऋषि की माता जी यानी नीलम इस समय पूरी तरीका से लक्ष्मी से करने लगी है नफरत। हालांकि पहले से ही नफरत कर रही हैं, लेकिन दोस्तों जहां पर पंडित को भी बहकाने का पूरा काम कर लेगी मलिष्का और मलिष्का अपने पूरे प्लान में पास हो जाएगी, क्योंकि उधर लक्ष्मी जिस तरीका से घर में एंट्री मिली थी लेकिन लक्ष्मी को नीलम किसी भी तरीका से रिजेक्ट करने की कोशिश कर रही है। अगर बात की जाए ऋषि की तो ऋषि को पता है कि मलिष्का ये सब कुछ क्यों कर रही हैं और ऋषि को ये पता है कि ये सिर्फ पाने के लिए उसने झूठी कुंडली बनवाई है। दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि मलिष्का नहीं चाहते कि किसी भी तरीका से लक्ष्मी और ऋषि एक दूसरे के करीब जाएं। आने वाले एपिसोड काफ़ी धमाकेदार होने जा रहा है, जिसमें देख पाएंगे कि ऋषि के फादर तो हर समय जो कि लक्ष्मी के साथ नजर आते हैं, लेकिन ऋषि की माता यानी कि नीलम इस समय लक्ष्मी से काफ़ी नफरत करती हैं और मलिष्का ने जिस तरीका से झूठी कुंडली बनवाई है उस झूठी कुंडली को देखने के बाद में अब नीलम पूरी तरीका से आग बबूला हो चुकी है। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भाग्य लक्ष्मी का जो आने वाला एपिसोड है वो और भी ज़्यादा धमाकेदार तब देखने को मिलेगा जब एक बार फिर से देख पाएंगे कि किस तरीका से ऋषि नीलम की साइड लेकर नहीं बल्कि वो लक्ष्मी की साइड लेते हुए नजर आएंगे और नीलम को खरी खोटी सुनाते हुए नजर आने वाले हैं अपनी माता को। जी हाँ, साथ ही दोस्तों आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा, दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए एंड कॉमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइज। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लव यू गाइज।